हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार एससीपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है एससीपी जर्नी, और आप हमारे चैनल की सभी वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। ये जो वीडियो हमारा रहेगा ये एससीपी एमएम मॉड्यूल से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से प्लांट कैसे हमको डिफाइन करना है हमने ये जाना था। आज हम इस वीडियो में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही हम आगे की जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, तो हम ये जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बता दूँ कि आपकी काफ़ी क्वेरी थी, तो उनमें से एक क्वेरी ये भी थी कि जो अभी जितनी भी वीडियो आई हैं उनको प्लेलिस्ट में डाल दें। तो हमने सभी वीडियो, जो भी वीडियो जिस भी मॉड्यूल से रिलेटेड है, हमने उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलेगी कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, और आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था प्लांट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन आई थिंक मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे ही हम प्लांट को सब डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करके कैटेगरी बना देते हैं अलग अलग, तो उसको स्टोरेज लोकेशन बोलते हैं। स्टोरेज लोकेशन का फंडा क्या रहता है, जनरली हमारा जो एक टाइप का जो मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन पर रखना स्टोरेज लोकेशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। जैसे मैंने कल भी आपको मे बी उस वीडियो में बताया, वो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको बताया था। स्टोरेज लोकेशन में जैसे हम फिनिश गुड का एग्जांपल लेते हैं, फिनिश गुड को हम पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर रखते हैं प्लांट के अंदर, और उस एरिया को हम क्या दे देते हैं, एक लोकेशन का नाम दे देते हैं कि ये हमारी फिनिश गुड की स्टोरेज लोकेशन है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास तीन या चार रूम्स हैं और अलग अलग रूम में आपने अलग अलग टाइप का मटेरियल रख दिया है, या अलग अलग बॉक्स के अंदर आपने अलग अलग टाइप का मटेरियल रखा हुआ है जो कि रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, तो वो उस मटेरियल के लिए पर्टिकुलर वो स्टोरेज लोकेशन हो जाएगी। तो एससीपी में स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड क्या है, OX09। तो OX09 से आप एससीपी के अंदर ट्रांजेक्शन कोड से आप स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जनरली क्या करना है, आप मेन स्क्रीन पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप इनिशियल स्क्रीन पे आ जाएंगे एससीपी की, और यहाँ पे आपको डालना है OX09, जो यहाँ पे मैंने आपको ये स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन के लिए आपको बताया हुआ है, ये ट्रांजेक्शन कोड है। शॉर्ट में इसे टी कोड भी बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन कोड। तो स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन के लिए है OX09। आप डायरेक्ट यहाँ पे जो कमांड फील्ड है आपका, वहाँ पे OX09 डालें, और ये जो ग्रीन कलर का बटन आपको दिख रहा है आप इसको प्रेस करो। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे सिस्टम हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन कस्टमाइजिंग ए प्लांट, तो कस्टमाइजिंग ए स्टोरेज लोकेशन। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जांपल बताया कि एक प्लांट को जब भी हम सब डिवाइडेड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, तो वो क्या बन जाती है, हमारी स्टोरेज लोकेशन बन जाती है। इसीलिए जब आप एससीपी के अंदर स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करेंगे तो सिस्टम आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको किस प्लांट के अंडर में वो स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करनी है। मीन्स लाइक यहाँ पे हमारा प्लांट है 1100, और इस प्लांट के अंदर में, प्लांट के अंडर हमको स्टोरेज लोकेशन बनानी है। लाइक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल,
फॉर फिनिश मटेरियल मैट। तो जो रॉ मटेरियल है उसके लिए मैं रखता हूँ आर आर एम रॉ मटेरियल 00। देन सेमी फिनिश मटेरियल के लिए मैं रखता हूँ सेमी फिनिश मटेरियल 00। और जो हमारा फिनिश गुड है उसके लिए रखता हूँ मैं एफ एम फिनिश मटेरियल 00। ये क्या है, ये स्टोरेज लोकेशंस हैं किस प्लांट के लिए, 1100 के लिए। तो जैसे ही आप स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करेंगे तो सिस्टम आपसे क्या पूछेगा कि आप किस प्लांट के अंडर में आपको वो स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्लांट डालना है, जिस भी प्लांट के अंडर में आपको स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करनी है। देन ये ग्रीन कलर का जो बटन आपको दिख रहा है, कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो सिस्टम आपको स्टोरेज लोकेशन की स्क्रीन पे लेके जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे काफ़ी टाइप से स्टोरेज लोकेशन दी हुई हैं। आपको नई स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करनी है, आपको कोई भी न्यू स्टोरेज लोकेशन बनानी है, तो आपको जनरली क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप कोई नई चीज़ डिफाइन करेंगे तो स्टैंडर्ड जो SCP का जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कॉपी करके ही आपको वो चीज़ डिफ़ाइन करनी है। यहाँ से मैं 0001 जो स्टैंडर्ड स्टोरेज लोकेशन है SCP के अंदर, मैं उसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके इसका नाम चेंज करता हूँ RM00, और यहाँ पे लिखता हूँ रॉ मटेरियल रोमेट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं सेव करता हूँ इसको। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये मेरी रॉ मटेरियल्स के लिए स्टोरेज लोकेशन डिफाइन हो गई है SCP के अंदर। तो अभी हमने ये रॉ मटेरियल के लिए स्टोरेज लोकेशन बनाई है। ये कौन सी है, फर्स्ट स्टोरेज लोकेशन। सेकंड पे हमको सेमी फिनिश मटेरियल के लिए डिफाइन करनी है स्टोरेज लोकेशन। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड से ही कॉपी करना है, कॉपी। देन यहाँ पे हम सेमी फिनिश के लिए SF00 और यहाँ पे डालेंगे सेमी फिनिश सेमी मैट सेमी फिनिश मटेरियल। और एंटर करेंगे। अब ये बोल रहा है टारगेट की मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स की। बैक चलते हैं, दोबारा इस ट्रांजेक्शन को रन करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक तो ये स्टोरेज लोकेशन क्रिएट की है SF00 सेमी फिनिश के लिए, और एक हमने RM00 स्टोरेज लोकेशन क्रिएट की है, तो वो यहाँ पे है। ऐसे ही आप फिनिश के लिए या जितनी भी स्टोरेज लोकेशन आप बनाना चाहते हैं अपने प्लांट में मटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग, तो आप उतनी ही स्टोरेज लोकेशन बना सकते हैं। अब हम जानते हैं SPRO में चलेंगे। सबसे पहले SPRO में SCP रेफरेंस IMG, देन जो ये स्टोरेज लोकेशन का ट्रांजेक्शन कोड है, अगर आप ट्रांजेक्शन कोड रन ना करना चाहें और आप डायरेक्टली पाथ के थ्रू जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, आपको स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करनी है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डिफाइन, देन स्टोरेज मटेरियल मैनेजमेंट, और यहाँ पे आपको मिलेगा मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे घड़ी के निशान पे, तो ये डायरेक्टली जो आपने ये ट्रांजेक्शन कोड डाला था तो सेम स्क्रीन पे आपको ये पाथ लेके जाएगा। तो आपको ये जो पाथ मैं बता रहा हूँ, साथ में जो आपको ट्रांजेक्शन कोड बता रहा हूँ, ये या तो आप अपनी किसी डायरी के अंदर नोट करके रखें, या फिर अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो आप अपने एक्सेल के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि वो आपको आने वाले टाइम में हेल्प कर सकें।
अभी आपने देखा कि स्टोरेज लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, देन आता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहती है किस चीज़ के लिए, कि कोई भी जो मटेरियल कंपनी के अंदर हम परचेज करते हैं किसी वेंडर से, तो उस मटेरियल के अगेंस्ट में जो भी प्राइस से रिलेटेड बार्गेनिंग या नेगोशिएशन होता है उसके लिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहती है। और कोई किसी भी टाइप का जो जो भी मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं कहीं से भी किसी भी वेंडर से, तो उस पूरे ऑर्डर के लिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप से होती है? सेंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन हम इनके बारे में समझते हैं कि सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी कोड, कंपनी कोड है 1000, देन यहाँ पे दूसरा कंपनी कोड है, कंपनी कोड 2000। ये हमारा कौन सा कंपनी कोड है? फर्स्ट। और ये हमारा कौन सा कंपनी कोड है? सेकंड। देन इस कंपनी कोड के अंदर हमारे दो प्लांट हैं, प्लांट वन और प्लांट टू, प्लांट टू। और इस कंपनी के अंदर भी हमारे दो प्लांट हैं, प्लांट वन एंड प्लांट टू। तो अगर हम एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं सिंगल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 1100, और ये जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम इन दोनों कंपनी को असाइन करते हैं, मींस जो भी परचेजिंग से रिलेटेड जो भी एंट्री रहेगी, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए इन दोनों कंपनी कोड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सिंगल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो दो कंपनी को, कंपनी कोड को हम ये सिंगल परचेज ऑर्गेनाइजेशन असाइन करते हैं, और अगर ये सिंगल परचेज ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों मटेरियल प्लांट के लिए और इन दोनों प्लांट के लिए और दोनों कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये मल्टीपल्स कंपनी के जो भी परचेज साइड से डाटा रहेगा उसके लिए वो लाइबल है। देन आता है हमारा कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? सेकेंड पे आता है हमारा कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्ग, तो कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर हमारे पास सेम यही कंडीशन है, दो कंपनी कोड हैं हमारे पास और उनके अंडर में दो प्लांट हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैं, बट यहाँ पे इस कंपनी कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस
ऑर्गेनाइजेशन पे है, परचेज ऑर्ग 1100 और एक और परचेज ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकंड कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, कंपनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन है। देन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी कोड है और एक सिंगल प्लांट है। सिंगल प्लांट है तो ये जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सिंगल परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर किसी भी कंपनी कोड के सिंगल प्लांट के लिए, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपको इन ये जो यहाँ पे थ्री टाइप की डिफरेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन के लिए यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है OX08। आपको करना क्या है, इनिशियल स्क्रीन पे आना है SAP की और देन यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कोड टाइप करना है OX08, देन एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन का जो स्क्रीन है आपके सामने, स्क्रीन ओपन करके देगा सिस्टम आपको। आप चाहें तो नई एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू एंट्री के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टैंडर्ड से कॉपी करके ही जो भी आप डाटा बनाएं वो स्टैंडर्ड से कॉपी करके बनाएं। यहाँ पे आप नाम चेंज करें अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 300 और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई और ABC परचेज ऑर्ग और देन एंटर करता हूँ। एंटर जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे सिस्टम मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है ग्रीन कलर में, नंबर ऑफ एंट्री कॉपीड 1, मीन्स एक जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है हमने वो कॉपी कर ली है। देन हमको डाटा को सेव करना है, डाटा को सेव करते हैं तो ये हमारी क्रिएट हो गई है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको पाथ के थ्रू जाना है SAP में, SPRO आप रन करें, SAP रेफरेंस IMG, देन जो हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशंस में जाएंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारी जनरल MM मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, तो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस घड़ी के बटन को प्रेस करना है, एग्जीक्यूट बटन को, और यहाँ से भी आप कॉपी करके परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारा आता है यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप और परचेज ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप या परचेज ग्रुप क्या है, जब हम किसी भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उन ग्रुप्स पर्टिकुलर उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, परचेजिंग ग्रुप्स। परचेजिंग ग्रुप्स के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, जो कि एक ग्रुप पर्टिकुलर किसी भी परचेजिंग मटेरियल परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक हमने जो स्टोरेज लोकेशन क्रिएट की थी, स्टोरेज लोकेशन वो कौन कौन सी थी, RM00, SF00
और फिनिश मटेरियल 00। तो ये कौन कौन सी थी? RM00 जो थी स्टोरेज लोकेशन, वो थी रॉ मटेरियल के लिए। सेमी फिनिश के लिए हमने डिफाइन की थी SF00, और फिनिश मटेरियल के लिए जो हमने डिफाइन अभी तक नहीं की है वो क्या है? FM0 फिनिश मटेरियल। तो ऐसे ही जो हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम सब डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? परचेजिंग ग्रुप्स। परचेजिंग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं आप इसको, या परचेज ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम परचेज ग्रुप डिफाइन करते हैं, लाइक फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट परचेज ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RM00, मीन्स जो रॉ मटेरियल है हमारा पर्टिकुलर, उस परचेजिंग के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा? जो हमारा ग्रुप वन है, वो ग्रुप क्या करेगा? किसी भी वेंडर से मटेरियल परचेज करेगा, तो प्राइस की जो बार्गेनिंग है इस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइस के कंपनी को कम से कम प्राइस में वो मटेरियल परचेज करके दें। मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेज ग्रुप वन की। और जितनी भी पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सभी चीज़ें भी किस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो ये परचेजिंग ग्रुप है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल। देन ऐसे ही हम अगर सेकंड ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे सेकंड परचेज ग्रुप, और इसको हम पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर सेमी फिनिश मटेरियल परचेज करने के लिए। तो ये जो परचेजिंग ग्रुप है ये लाइबल है इस पर्टिकुलर मटेरियल परचेजिंग के लिए। और जनरली ये ग्रुपिंग जो है ये किस पर्पज़ के लिए होती है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ग्रुपिंग द परचेज ऑर्गेनाइजेशन? तो ये ग्रुपिंग जनरली किस पर्पज़ के लिए होती है? नंबर फर्स्ट पे है, वी कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। हम ग्रुपिंग में डिवाइड कर देते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का जो परफॉर्मेंस रहेगी जो ग्रुप की, वो कैसी है, क्या उसने प्राइस हमको बहुत कम दाम में हमको मटेरियल परचेज करवाया कंपनी के लिए, और उसकी परचेजिंग की जितनी भी टर्म और कंडीशंस रहती हैं उनको क्या वो फुलफ़िल करता है वो ग्रुप प्रॉपर वे से। तो एनालाइज़ के लिए हम ये ग्रुपिंग करते हैं, और हम चाहें तो ये कभी भी रिपोर्ट इनके बेस पे हम रन करके डिटेल निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो ग्रुप है इसने एक ईयर में या सिक्स मंथ के अंदर कितनी परचेजिंग की है, क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ पेंडिंग हैं। तो अगर किसी की पेमेंट पेंडिंग है और किसी का कोई ऑर्डर पेंडिंग है परचेज करने के लिए, तो मैनेजमेंट क्या करती है? इन ग्रुपिंग से चेक कर लेती है कि किसकी किस ग्रुप की पेमेंट पेंडिंग है। तो ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद पर्टिकुलर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो हमारे पर्सन रहेंगे उन पे कंपनी एक्शन ले सकती है। जनरली ये इंटरनली पर्पज़ के लिए रहते हैं, जो ग्रुपिंग है वो इंटरनली पर्पज़ के लिए रहती है।
तो अब हम देखते हैं कि परचेजिंग ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं। परचेजिंग ग्रुप डिफाइन करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन कोड है, OME4। यहाँ पे आपको जाना है SAP के अंदर इनिशियल स्क्रीन पे और आपको डालना है OME4। तो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई है परचेजिंग ग्रुप क्रिएशन की। आपको स्टैंडर्ड से कॉपी करना है, जब भी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे तो कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपका परचेजिंग ग्रुप डालना है आपको, लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ PR01 परचेजिंग ग्रुप 1, सॉरी आप यहाँ पे 3 करेक्टर ही डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ P01 परचेजिंग ग्रुप 1। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ फॉर रॉ मटेरियल। ये जो ग्रुप रहेगा ये किसके लिए लाइबल है, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का जो भी इशू रहेगा परचेजिंग साइड से, तो उसके लिए लाइबल कौन है, ये पर्टिकुलर ग्रुप। और यहाँ पे हम उस ग्रुप जो परचेज ग्रुप है उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ME21N यहाँ पे हमको उस ग्रुप का टेलीफोन नंबर डालना है, या कंपनी में जो भी एक्सटेंशन के साथ उसका टेलीफोन नंबर है, या आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और फैक्स नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं परचेजिंग ग्रुप के लिए, जो भी आपका फैक्स नंबर रहेगा कंपनी के अकॉर्डिंग। तो ये परचेजिंग ग्रुप जो मैंने आपको बताया अभी, ये देखिए परचेज ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो गई है ME21N। यहाँ पे अगर आप हेडर का बटन ओपन करोगे, हेडर को ओपन करोगे, तो जैसे ही हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे है स्टैंडर्ड PO वेंडर, हम यहाँ पे लेते हैं। एंटर। तो यहाँ पे जैसे ही परचेज ऑर्डर क्लिक क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे परचेज ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ये रहा परचेज ग्रुप, मीन्स परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर के अंदर वो ग्रुप डालते हैं, और ग्रुप डालने से जैसे ही हम ये परचेज ऑर्डर क्रिएट करके और इसका प्रिंट निकालेंगे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू है ये, जैसे ही हम इसका प्रिंट निकालेंगे या किसी भी वेंडर को हम इसकी मेल डालेंगे, तो जो PDF फाइल के फॉर्म में जो वेंडर के पास हमारा ऑर्डर जाएगा, तो उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या मेंशन होगा, उसकी ग्रुप की डिटेल मेंशन होगी, कौन सा ग्रुप है वो, टेलीफोन नंबर क्या है अगर वेंडर उससे कांटेक्ट करना चाहे तो, और अगर कुछ भी क्वेरी रहती है वेंडर की, अगर वो फैक्स वगैरह हमको करना चाहता है, तो वो फैक्स नंबर भी उसके अंदर उस वेंडर के पास चला जाएगा। तो जनरली परचेजिंग ग्रुप का यही पर्पज़ होता है। मैं ये ग्रुप एंटर करके फिल करके और एंटर करता हूँ। ये जो ग्रुप है ये ऑलरेडी क्रिएट है, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। तो
तो हम इसको चेंज कर देते हैं ग्रुप को, यहाँ पे हम डाल देते हैं P5, एंटर। P5 भी एग्जिस्ट करता है, PP1 डालते हैं यहाँ पे, एंटर। PP1 नहीं है यहाँ पे। फैक्स नंबर अगर आप डालना चाहें अपनी कंपनी का तो आप डाल सकते हैं, जो पर्टिकुलर परचेज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। उसके बाद इस ग्रुप को सेव करते हैं, बैक चलते हैं, दोबारा से स्क्रीन ओपन करते हैं परचेज ग्रुप की। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है वो ये ग्रुप है PP1 फॉर रॉ मटेरियल, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। देन यहाँ पे आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, और इन सभी चीज़ों के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपनी कोड क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, क्लाइंट क्या है, प्लांट क्या है, प्लांट किस किस मॉड्यूल के लिए, किस किस टाइप से हम, क्या डेफिनेशन रहती है प्लांट की, स्टोरेज लोकेशन क्या है। जब हम प्लांट को डिवाइड करते हैं सब लोकेशंस के अंदर तो उसको हम स्टोरेज लोकेशन बोलते हैं। देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहती है किसी भी पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के लिए, और जो किसी भी पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के लिए नहीं, जितनी भी परचेजिंग हो रही है कंपनी में, जो परचेज साइड से जो भी सिनेरियो रहते हैं उसके लिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर हम परचेज ग्रुप डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम सब डिवाइडेड कर रहे हैं इनटू ग्रुप्स, तो वो ग्रुप्स पर्टिकुलर किसी भी ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसकी पेमेंट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड। लाइक हमारा मटेरियल, हमारा जो ग्रुप बनाया हमने वो बनाया PP1, वो किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए है। और ये जो परचेज ग्रुप है PP1, ये एक रॉ मटेरियल का ऑर्डर क्रिएट करता है, परचेज ऑर्डर, और वो वेंडर को सेंड करता है। और हमारी कंपनी को जो मटेरियल है वो चाहिए है 3 दिन बाद, और बट वेंडर से अभी तक हमारे पास मटेरियल नहीं आया, और आज लास्ट डे है पर्टिकुलर उस मटेरियल के लिए। तो उससे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उस ऑर्डर से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर PP1 जो परचेज ग्रुप है वो उस ग्रुप की रहेंगी, कि अगर हमारे मटेरियल आने में डिले हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, परचेज ग्रुप 1 की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमको मेल डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमने यूनिट डिफाइन की है इनको असाइन कैसे करते हैं, और क्या रिलेशन रहता है, मीन्स रिलेशन का मतलब कि हम जो 1-to-many का या 1-to-many का या 1-to-1 का जो रिलेशन रहता है, लाइक एक कंपनी कोड को हम कितने प्लांट असाइन कर सकते हैं, एक कंपनी कोड को एक ही प्लांट असाइन कर सकते हैं या एक कंपनी कोड को एक से ज़्यादा प्लांट असाइन कर सकते हैं, तो रिलेशन कैसे रहता है, एक से ज़्यादा कर सकते हैं तो 1-to-many हो गया इस टाइप से। तो ये सारी असाइनमेंट हम अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिटेल जानेंगे। और ये सभी डाटा करने के बाद हम आपको इस MM के अंदर ये भी बताएंगे जो FI और MM का जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो कैसे रहता है, उसकी डिटेल भी जानेंगे कि कैसे पर्टिकुलर अकाउंट हिट होता है ट्रांजेक्शन की के थ्रू, और जो हमारी वैल्यूएशन क्लासेस हैं उनके बारे में भी डिटेल जानेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा कंप्लीट हो गया। देन असाइनमेंट जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो पब्लिश हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।